बच्चों क्वेश्चन नंबर एट इसको अगर फोकस करते हैं तो यहाँ पे वन प्लस ओमेगा तो वन प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आप पहले वो दिमाग लगाइए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ठीक है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तो माइनस ओमेगा क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज पता है क्यूब रूट्स का वन प्लस ओमेगा इन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होता है जीरो तो अगर हम वन प्लस ओमेगा दिया हुआ है कहीं पे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और कहीं पे अगर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ओमेगा

उसी टाइप से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ तो क्वेश्चन नंबर टू में एट का ही क्वेश्चन नंबर टू में है वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू द पावर फोर फिर वन प्लस ओमेगा टू द पावर एट इज इक्वल टू कितना है वन दिया हुआ सेम कंडीशन वन प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा और वन प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है इसको और इसको अगर थ्री का मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा तो वन प्लस टू दी पावर सिक्स इन टू ओमेगा टू दावर टू लिख सकते हैं थ्री का मल्टीपल अगर कुछ भी रहे ओमेगा का का अगर मल्टीपल आ रहा है तो वैल्यू कितना देगा हमेशा वन ही देगा तो अगर सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो आ जाएगा वैल्यू माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब इन टू ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन वन प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा ओमेगाक्वायर इंटूगा टू दी पावर सिक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा वन क्योंकि ये थ्री का मल्टीपल है, को क्या अगर करते है इसको, तो टोटल को वैल्यू ओमेगा टू पावर क्यूब आ जाएगा दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो वन इंटू वन वन ही आंसर आएगा तो ये क्वेश्चन नंबर एट का टू नंबर था इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर एट का जो थ्री है वो भी आसानी से हो जाएगा तो ट्राई करोगे तो हो जाएगा ठीक है नया पेज लेते हैं हम लोग तब देखते हैं चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है पेज एडजस्ट हो गया क्वेश्चन नंबर एट का तीसरा है ठीक है तो एट का जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते टू प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब फिर प्लस वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर एट फिर माइनस ब्रैकेट में वन माइनस थ्री ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर फोर इज इक्वल टू वैल्यू कितना आया वन ये प्रूव्ड करना है एट तो, फर्स्ट आपको ये समझ में आना चाहिए वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होता है ज़ीरो होता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के तो बदले हम लोग यहाँ माइनस वन लिख सकते तो यहाँ डाटा यूज करते हैं इसके बदले टू यहाँ लिख देंगे माइनस वन पे पावर क्या आ गया थ्री प्लस यहाँ वन प्लस ओमेगा देखिए वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना फिर पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर तो था ही पावर एट फिर माइनस और यहाँ वन माइनस थ्री ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखिएगा माइनस वन माइनस ओमेगा ठीक है सॉल्व करते टू माइनस वन 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 का पावर क्यूब करेंगे तो वन ही आएगा वैल्यू माइनस माइनस टू ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर पे पावर एट फिर यहाँ माइनस माइनस यहाँ माइनस वन प्लस वन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा थ्री ओमेगा और पावर फोर है यहाँ पे ठीक है थ्री ओमेगा माइनस ओमेगा तो माइनस फोर ओमेगा टू दी पावर कितना आ गया है यहाँ पे फोर तो वन प्लस माइनस का इवन पावर है तो तो प्लस हो जाएगा टू टू पावर एट ये टू टू पावर एट हो गया यहाँ वन नहीं है ठीक है टू दी पावर एट और ओमेगा टू दी पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे सिक्सटीन ठीक है और माइनस माइनस तो रहने दीजिए यहाँ पे और माइनस का पावर अगर इवन है तो वो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा फोर टू जी पावर फोर इंटू ओमेगा टू दी पावर फोर ठीक है तो अब सॉल्व करते हैं इसको वन प्लस टू टू पावर एट इंटू ओमेगा टू दी पावर सिक्सटीन को आप क्या लिख सकते हैं फिफ्टीन इं टू ओमेगा लिख सकते हैं बीस मत पावर एड हो जाएगा माइनस फोर टू दी पावर को क्या लिख सकते हैं टू टू दी पावर एट लिखा जा सकता है ठीक है क्योंकि टू टू द फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर फोर टू जी एट हो तो तो जाएगा इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा आ गया इसी को आगे अगर सॉल्व करते हैं तो वन प्लस टू टू दावर एट ये फिफ्टीन तीन का मल्टीपल है तो ओमेगा आ गया माइनस टू टू दावर एट ओमेगा क्यूब तीन इसका तो वैल्यू वन हो जाएगा और ओमेगा आ गया ये दोनों सेम वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ गया वन ठीक है ये क्वेश्चन नंबर एट का थ्री था अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट का ही फोर नंबर पे फोर नंबर में है वन माइनस ओमेगा ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा तो हम अच्छा ठीक है बना ही देते हैं इसको ठीक है Omega omega square, four, eight, 16, तो वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर इंटू वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर फोर फिर इंटू वन माइनस ओमेगा टू द पावर फोर प्लस ओमेगा टू द पावर एट ठीक है इंटू वन माइनस ओमेगा टू द पावर एट प्लस ओमेगा टू द पावर सिक्सटीन इक्वल टू आ गया सिक्सटीन तो एट फर्स्ट समझते हैं हम लोग वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा तो पहले से था ही इंटू वन 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 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू दर फोर को क्या लिखेगा ओमेगा क्यूब इन टू ओमेगा तो ओमेगा क्यूब का तो वैल्यू वन हो गया ओमेगा बचा यहाँ पे फिर वन ओमेगा यहाँ पे देखिए ध्यान दिया जाता है ओमेगा टू दर फोर है तो इसको तो हम लोग ओमेगा लिख चुके थे इधर है ना प्लस है तो प्लस ओमेगा टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं एट है तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ध्यान दीजिएगा ओमेगा टू दावर एट को ओमेगा टू दावर सिक्स टू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो होगा वो थ्री का मल्टीपल है अगर इसको देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा और बचा लास्ट में ओमेगा तो यहाँ माइनस टू ओमेगा ठीक है omega, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर ठीक है आगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा तो पहले से था ही फिर वन प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सबको बच्चों से अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या क्या आ सकता है देखिए ध्यान से है ना तो ये माइनस टू ओमेगा फिर यहाँ पे माइनस टू ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस टू ओमेगा ठीक है माइनस टू ओमेगा स्क्वायर टू टू ज फोर फोर टू जो एट एक्सटी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस सिंपल सा इवन नंबर में है माइनस डिजिट माइनस की संख्या माइनस का जो नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा और ओमेगा पे पावर कितना आ जाएगा टू थ्री हाँ फाइव ए सिक्स सिक्स आ जाएगा तो ये तो ओमेगा टू द पावर सिक्स थ्री का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सिक्सटीन इंटू वन तो वैल्यू आ गया सिक्सटीन ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर हो गया और एट का हम लोग आठ का वन टू थ्री और फोर तो कर ही लिए हैं अब फाइव नंबर क्वेश्चन है इसको भी लगे हाथ कर ही लेते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर में है ए प्लस बी प्लस सी इन टू इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ए को ए से पहले करते हैं तो ए स्क्वायर फिर ए को बी के साथ करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा फिर ए को सी के साथ तो प्लस ए सी ए सी ओमेगा आ गया ठीक है फिर बी को इसके साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी ओमेगा आ गया ठीक है देखिए ना बी को ए के साथ फिर बी को बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब आ जाएगा ठीक है अब फिर देखिए बी को इसके साथ करेंगे तो क्या जाएगा? Omega square आ जाएगा बी सी ओमेगा गया, फिर सी को इसके साथ करते हैं तो प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर आ गया सी को बी के साथ तो बी सी ओमेगा टू पावर फोर हो गया और सी को अगर इसके साथ करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया ठीक है तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो आप पहले से जान ही रहो वैल्यू होता है वन ठीक है तो ए स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ओमेगा क्यूब है तो इसका वैल्यू वन तो बी स्क्वायर हो जाएगा इधर और यहाँ देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन तो ये हो जाएगा ये सी स्क्वायर फिर यहाँ देखते ए बी है ए बी ओमेगा स्क्वायर है और कहीं पे ए भी है ए बी यहाँ पर है तो प्लस कॉमन की ए बी को और यहाँ लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ठीक है फिर प्लस अब बी सी वाला टर्म देखते हैं यहाँ बी सी ओमेगा स्क्वायर है और कहीं बी सी स्क्वायर ओमेगा यहाँ पे है बी सी ओमेगा टू दी पावर फोर है बी सी को कॉमन किया ओमेगा स्क्वायर प्लस और आपको पता होगा ओमेगा टू दी पावर फोर जो है ओमेगा टू दी पावर फोर का वैल्यू तो ओमेगा इन टू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं तो ओमेगा क्यूब का तो वैल्यू वन हो जाएगा बचेगा ओमेगा ठीक है फिर आगे क्या बचा सी ए ओमेगा स्क्वायर है तो प्लस सी एमेगा इसक्वायर सी कॉमन आ गया सी ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे सी ए है तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा कॉमन करके ठीक है तो सॉल्व कीजिए इसको ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी और इसका वैल्यू आता है माइनस वन आपको पता है फिर बी सी फिर इसका वैल्यू माइनस वन फिर सी ए इसका वैल्यू माइनस वन तो अगर प्रूव कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये किसका फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का ये फॉर्मूला होता है तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं तो एट का हम लोग पाँचों नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके